मैं हूं ईशा पटेल और स्वागत है आपका मेरी चैनल HP मोटिवेशनल 13 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रामनवमी पर्व का महत्व क्या है, रामनवमी पर्व क्यों मनाया जाता है, रामनवमी पर्व के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, रामनवमी पर्व का रहस्य क्या है और रामनवमी पर्व कैसे मनाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रामनवमी पर्व का महत्व क्या है। सनातन धर्म में रामनवमी पर्व का विशेष महत्व है। रामनवमी पर्व को भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से हर वर्ष चैत्र माह की नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिर और मठों में पूजन और यज्ञ किए जाते हैं, साथ ही जगहों जगहों पर लोग भंडारों के रूप में प्रसाद का वितरण भी करते हैं। इस दिन कुछ जगह पर रैली का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें देवी देवताओं की सवारी भी निकाली जाती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रामनवमी पर्व क्यों मनाया जाता है। रामनवमी पर्व के दिन लोगों की आस्था के केंद्र भगवान श्री राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रावण के अत्याचारों का अंत करने के लिए भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। इस दिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और भगवान श्री राम का भी अभिषेक करके पूजा अर्चना करते हैं। अब हम जानते हैं कि रामनवमी पर्व के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और यज्ञ से प्राप्त हुई खीर राजा दशरथ ने अपनी प्रिय पत्नी कौशल्या को दे दी। कौशल्या ने उसमें से आधा हिस्सा कैकेयी को दे दिया। इसके बाद दोनों ने अपने हिस्से से आधा आधा खीर तीसरी पत्नी सुमित्रा को दे दी। इस खीर के सेवन से चैत्र शुक्ल नवमी के दिन कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसी तरह कैकेयी ने भरत तो सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दे दिया। रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ, साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का भरत से और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक करने के लिए मुनि सह शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंथरा नामक दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलाया। जब राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुंचे, तब कैकेयी ने महाराज दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई, जो वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को युद्ध के समय अपनी सहायता करने के लिए दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए कैकेयी ने कहा, राजा के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब श्री रामचंद्र जी को पता चला तो वो पिता का वचन पूरा करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। इधर पुत्रशोक में राजा दशरथ को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भरत और शत्रुघ्न उस समय तनिहाल में थे। जब वो लौट के आए तो अपनी माता कैकेयी का मुंह देखने का भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम जी के पास वन में जाकर लौटने के लिए विनंती, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को लौटने के लिए मना कर दिया। तब भरत ने श्री राम जी का खड़ाऊ मांगा, जिससे कि उस खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखकर वो राम जी के सेवक के रूप में राज्य की देखभाल कर सके। दोस्तों, ये थी रामनवमी की पौराणिक कथा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रामनवमी पर्व का रहस्य क्या है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्री रामचंद्र एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। इतना ही नहीं, धरती पर मर्यादा के संदेश देने के लिए भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। सांसारिक प्रक्रिया के तहत भगवान राम ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया। इतना ही नहीं, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी किया जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान राम ने धरती पर हर तरह की मर्यादा का पालन किया। वो मर्यादा चाहे भाई से हो, पिता से हो, माँ से हो, गुरु से हो या फिर शत्रु से हो, हर मर्यादा का भगवान श्री राम ने पालन किया था।
दोस्तों अब हम जानते हैं कि रामनवमी पर्व कैसे मनाया जाता है। रामनवमी पर्व के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूरे दिन नियम और संयम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम का व्रत किया जाता है। इसके साथ ही राम दरबार यानी भगवान श्री राम सहित लक्ष्मण माता सीता और हनुमान जी की पूजा और आरती की जाती है। राम जन्मोत्सव की खुशी पर ब्राह्मणों और अन्य लोगों को भोजन करवाया जाता है और प्रसाद बांटते हैं। इसी दिन रामचरितमानस का पाठ भी करवाया जाता है। दोस्तों मान्यता है कि रामनवमी के दिन उपवास रखने से सुख समृद्धि आती है और पाप और बुराइयों का नाश होता है। यह था रामनवमी पर्व का महत्व। रामनवमी पर्व क्यों मनाया जाता है, रामनवमी के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, रामनवमी पर्व का रहस्य क्या है और रामनवमी पर्व कैसे मनाया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे साथ नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करते रहिए अच्छा काम, लेते रहिए सबकी दुआएं, एक दिन अपनी मंजिल जरूर जरूर मिलेगी। थैंक यू।